और फाइनली भाई मेरे को मिल चुका है ग्लोस्टर में इस स्टीयरिंग के अलावा, और कहां से वॉल्यूम कंट्रोल होती है गानों की। ये लड़ा देखो भाई, लड़ाओं को लड़ा देते फॉर्च्यूनर वाले, ऐसे चढ़ा देते फॉर्च्यूनर वाले। देख रहे हो भाई कैसे इसको चढ़ा देना ब्रो, ऐसे चढ़ा देंगे। अरे छोड़ ना, क्यों खामा गई। हेलो भाई मेरुन पवार। अब देखो आज मैं वो दिक्कत दोबारा से आपको दिखाता हूँ, फास्ट टैग वाली अब भी रिजॉल्व नहीं हुई है। कितने दिन हो गए हैं, कोई इनका सरकारी काम है ना। अब मान लो ये निकलने का है, मैं इसमें से निकलूंगा भाई, चलो इस लेन में फाटक है छोटी सी। अब जैसे सिलेरियो आई, ठीक है, ये देखो स्पीड में भागे जा रही है। अब ये ग्रीन का ग्रीन, अब इसको कैसे पता चलेगा, अब इसको कैसे पता चलेगा चला गया ऐसे कैसे ही, ये ऐसे ही चला गया है। अब इसका आगे जाके पूरे उसका कट जाएगा 230, जबकि 15 रुपये कटने चाहिए लेकिन वो कटते हैं। चल लो भैया हम तो चलते हैं, हम तो पर्ची लेंगे। ये देखो अब इसका भी इको वाला, अब देखना ये देखेगा कि अरे कोई वही नहीं है, इको नहीं सॉरी ये क्या बोले हैं तो पिकअप। अभी वो देखेगा कि अरे कोई डंडा बंडा ना है, तो अब ये देखो यू भी ऐसे ही चलेगा। क्यों वहां पे कोई रीडिंग वीडिंग आती नहीं भाई कुछ, जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, होना ये चाहिए भाई। टोल का बहुत बड़ा स्कैम है ये। ये देखो ये लाल है यहाँ पे, अभी मेरा फास्ट टैग ये रहा, अब इसने स्कैन करा हरा हुआ फाटक खुटी, अब मेरे को पता चला कि हाँ हो गया। अब इसका क्या भाई, ये ग्रीन का ग्रीन ही है, इनका ना कोई फाटक खुटा। अब ये मैडम बहम में है कि भाई हो गया स्कैन, लेकिन ये आगे जाके इनको पता चलेगा कि 230 रुपए कट गए, उसके बाद ये क्या ही कर पाएंगी। सोच के देखो कितना बड़ा झोल है ये। तो यहाँ से अब इनको इनके फास्ट टैग में नहीं चढ़ा कि ये कहाँ से चढ़ी है, ठीक है, तो 15 रुपए की जगह पूरे टोल का जहाँ से रोड स्टार्ट होता है वहां से समझ लेगा फास्ट टैग, क्योंकि टेक्नोलॉजी है उसको क्या पता। तो वो इनका काट लेगी भाई पूरा 230 रुपए, 15 की जगह 230 रुपए, 215 रुपए का नुकसान है इस इनकी हरकत की वजह से। पर्ची ले लेते हैं हम तो, या फिर ये भी हो सकता है सिलेरियो मैडम ने सोचा होगा कि कोई टोल वाला फाटक वाटक तो है नहीं, मैं भगा लेती हूँ यहाँ से फटाफट से, कौन ही पूछ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनको नहीं पता इनके साथ आगे चल के क्या स्कैम होने वाला जिस भी टोल पे उतरेंगी। भाई साहब टोल का काम देख रहे हो, फास्ट टैग की मशीन के सामने भाई हम ना वो कर रहा है टच, लेकिन तब भी स्कैन नहीं कर रहा है। नहीं हो रहा भाई, हो गया यार, अगर नहीं हुआ तो हमारे 230 रुपए कट जाएंगे। पक्का हो गया, पर्ची भी दे दो, एक काम करो पर्ची भी दे दो भाई, पर्ची भी दे दो। हम इसने यहाँ रीड नहीं किया हो मान लो, पूरे कुंडली का काट देगा 230 रुपए। आगे लेके क्यों नहीं घूम गिरेगा, उसके बाद पर्ची नहीं होगा। लो कोई बात नहीं, लो थोड़ा आगे लेके जाओ पीछे, क्यों थोड़ा ना आगे तो करो ना भाई, कहा कह रहा आगे ले लो उद्घाटन का पर्ची निकाल। पता ना कहा कह के देनी है, अब पी चला हूँ, अब पी चला हूँ। अरे तू डटो रहे, रुक जा, पता है ना यार सुसरे कुछ ला भाई। अरे पर्ची ले लेते हैं, 15 रुपये का टोल, 15 की जगह 230 रुपये ना ऑटो जाएंगे, गरीब आदमी वैसे हैं। ये कई बार इस टोल पे हो चुका है मेरे साथ, जो कि काफी गलत है, डेंजरस सीन है भाई। अपने सरकार से कहो थोड़ा फास्टैग वास्टैग के सिस्टमों को बदलो यार, थोड़ा सा अपडेट अपडेट करो, पैसा कम कमा रहे हैं क्या टोल वाले। हद है यार भाई, पर्ची बना रहो भाई, कहा कर रहो जन भाई, मालिक जाने। तो भाइयों ये गलती बार 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 हो रही है हमारे साथ, इसलिए भाई मैं तो, अरे भाई जी क्या हो गया, क्या स्कैन कर रहे हो सौदा खराब है टोल को ये टोल है, फ्री कर दो, फ्री करो इसको, जाओ सबके लिए छूट है। चलो लो भैया पर्ची ले ली मैंने और टोल भी स्कैन। भाई भाई ये हाल है, आज मेरे पास ग्लोस्टर है, होपफुली आज हमारे साथ ये दुर्घटना ना हो जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी भाई, आपने उसका देखा ही था, ये टोल वालों का मतलब फास्ट टैग को उस पे टच कर रहा है तब भी जाके वो स्कैन नहीं हो रहा है, इससे बुरा क्या होगा। तो खैर आज हम चलाने वाले हैं भाई MG की ग्लोस्टर, और मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ भाई कैसी चलती है और क्या इसका मजा है। तो हम 4 लोग बैठे हुए हैं भाई फिलहाल इस गाड़ी के अंदर, ये आप देख सकते हो सनरूफ वनरूफ अपनी अच्छी खासी बड़ी है ही। हमने भाई ये मैं बता दूं टोल प्लाजा का थोड़ा सा ये रहवासन वाला है, किसी की सरकार में पहुंच हो ऊपर तक, तो थोड़ा भाई इसको सुधरवा दो प्लीज, हम बहुत दुखी हैं भाई। यहाँ तो जब भी जहाँ मैं 230 रुपये कटने को बहुत डर रहे, हम ज़्यादातर फरीदाबाद जाना रहता है इस रोड पे से,
तो हम जैसे वहां उतरते हैं ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, तो कह रहे ग्लोस्टर में हम ट्विन टर्बो वाली में बैठे हुए, इसमें एक सिंगल टर्बो वाली भी ऑप्शन आती है, 4x2 वाला ऑप्शन है लेकिन ये 4x4 है, तो ट्विन टर्बो से ही काम चलेगा। पहले ही लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं भाई इसके इसको डीजल इंजन को, क्योंकि ये 2000 सीसी का है और मतलब 51 लाख रुपए की गाड़ी में 2000 सीसी का इंजन, मतलब बात पता है वो है कि ये तो BMW में भी आते हैं। कंपटीशन को देखते हुए लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं यार, इंडेवर में इसी रेट में 3200 सीसी का इंजन आता था, फॉर्च्यूनर में इसी रेट में 2800 सीसी का इंजन आता है और फिर 2000 सीसी का इंजन, तो लोग क्यों खरीदेंगे भाई इतने कम ऐसे इंजन को। बट ये नहीं सोचते कि इसमें पावर अच्छी है जो कि अपने को मिलती है 214 BHP, तो ये क्या फॉर्च्यूनर की होड़ कर पाएगी भाई ये गाड़ी, या फिर नहीं कर पाएगी पावर के मामले में। तो सबसे पहले देखो मैं इसको जाने देता हूँ इसकी एकदम RPM से नीचे, यहाँ पे आप देखोगे इसको मैनुअल पे कर लू तब मेरा हाथ में कंट्रोल ज्यादा अच्छे से होगा, ये 150 से नीचे हम जैसे 1500 पे भाई, इसमें टर्बो लैग देखना, मैं पंजा दबाऊंगा, ये पंजा दबाया, ये देखो तीन चार सेकंड का डिले भाई, इतना बेहतरीन टर्बो लैग, कमाल ही हो गया, वही दो टर्बो लगा दिए हैं, अब वो पावर बनाने के चक्कर में बड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन एक बार ये रेंज में आई टर्बो एक्टिव हुआ इसका, टर्बो किक इन हुआ उसके बाद तो जो है भागती है भाई, ये देखो अब मैं इसका गियर चेंज नहीं करूंगा, छठे गियर पे हूँ, 8 स्पीड आता है इसके अंदर ना, 8 स्पीड ऑटोमेटिक है। अब देखो आप 4000 RPM पे चल रही है गाड़ी 150, ये देखो अपने आप, अब जैसे मैनुअल में भी ना ये इसकी एक लिमिट है, सर्टेन लिमिट है कि भाई चेंज कर दे, अगर तू घना ढेर आदमी बनेगा अपने मन में घना ढीठ बनेगा, मैं खुद भी अप मार दूंगी क्योंकि इसका गियरबॉक्स काफी प्यारा है भाई, कोई जर्क नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ये पेडल शिफ्टर्स में इसको और मैं भी थोड़ा सा ढीठ लो, मैंने भी छठे पे कर दिया ना, तो इंजन की आवाज बदलती, मतलब हल्की सी माइनर सी आपको पता चलेगी, अगर आपने गाने चला रखे होंगे तो वो भी पता नहीं चलेगी। उसके बाद भाई अब देखो फिर छठे पे हो गया, अरे तू पागल है क्या, अब देखो अब ये 150 पे चल रही है गाड़ी, जैसे 160 पे, सॉरी 160, तो अब मैं डाउन मारने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो फिर डाउन नहीं मारेगा, M7 पे ही रहेगा, अप हो जाएगी, अब जैसे मैं अप करूंगा तो M8 पे चली गई है, अब आप गौर करो तो एक साइड लिमिट है इसकी, ये देखो, और 172 पे भी भाई, वैसे इसका स्टेयरिंग बहुत स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है, बट भाई जो इसकी फील है ना, स्टेयरिंग जैसे हैवी हो गया है, जैसा एक ड्राइवर को चाहिए रहता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हमको देखने को मिल जाता है इसका स्टेयरिंग व्हील। अब रही ब्रेकिंग की बात, एक्सप्रेस वे वैसे प्रॉपर, बट भाई हम सावधानी से चलाते हैं, वो मैं टेस्ट करने के लिए आपको बस दिखा रहा था भाई, ब्रेकिंग काफ़ी देखो, ब्रेकिंग काफ़ी तो आपने देखा कि 70 से और कम कम में ये 100 पे 70 पे आ गई, 100 की स्पीड एकदम से माइनस कर दी, क्योंकि चारों डिस्क ब्रेक हैं इसके अंदर और यहाँ पे 19 इंच के अलॉय व्हील्स है, तो इस चीज़ का काफ़ी हमको फायदा यहाँ पे अपनी इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। हॉर्न भी अच्छा, मतलब ब्रेकिंग हो और जैसे जो इतनी लंबी है ऊंची ऊंची सी गाड़ी दिखती है ना भाई, उस हिसाब से ना इसके अंदर बॉडी रोल मेरे को तो इतना खास महसूस हुआ नहीं, उन्होंने ESP VSP और पूरा बढ़िया सिस्टम कर रखा है मतलब मेरे ख्याल से तो, और लग्जरी की लग्जरी यार, मतलब किसी को ऐसे X1 छोटी गाड़ी नहीं चाहिए ना, और किसी को फीचर्स पूरे चाहिए 50 लाख तक के बजट में, मेरे ख्याल से ठीक गाड़ी है। और पीछे तो इसमें स्पेस है, कम्फर्ट जो मिलता है वो नेक्स्ट लेवल है। आ गया टोल, किसी की तो बारात जा रही है, ये अल्ताफ हमरा साहिना, आज की है 9 तारीख है, जिनकी भी ये बारात जा रही है उनको हमारी तरफ से भाई बहुत बहुत बधाई, आप हंसी खुशी मंगल में मंगल आपका जीवन कटे, जल्दी से नन्ना मुन्ना मेहमान आ गया, 9 महीने छोराओ के हैं। और फास्टैग पे एम्प्लॉयज भाई इतने प्यारे प्यारे प्रीमियम बिठा रखे हैं, व्हीकल नंबर देखना HR New 2023। एक तो टोल्स पे लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है भाई, देख लो इसकी, और नहीं इसने पता नहीं कैसे क्या करना चाह रहे हैं टोल पे भाई, टोल क्रॉस कर दिया मैंने, फास्टैग से स्कैन करवा लिया, अब देखो ये भाई ये ना हाईवे के लिए तो बढ़िया गाड़ी है, सिटी में चलाओगे तो थोड़ा सा दुख देगी आपको ये ट्रैफिक व्रैफिक में, कोई टर्बो लैग भाई इतना नहीं, दो सेकंड ट्रैफिक के हिसाब से बहुत होते हैं भाई मेरे अकॉर्डिंग, तो उसमें तो आदमी बोर हो जाए मतलब परेशान हो जाए, टर्बो लैग होता है डीजल में होता ही है लेकिन इतना नहीं जितना मतलब इसमें है, पर ये BS6 ने ना बेचारी ने मतलब इन बड़ी गाड़ियों की तो बाट सी लगा दी यार, अब क्या करे, पेट्रोल में इनको इतनी बड़ी गाड़ियों को खरीदेगा कौन, फिर माइलेज ना देंगे इतनी भारी भरकम, सेफ्टी भी चाहिए, बड़ी आफत है, सरदर्दी है इन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, क्या करें यार, दुखी है जिंदगी से। अब देखो इसका अड़ास बड़ास, ये देखो
के अडास वडास कैसे चलते हैं भाई, ये देखो लेन की पोजीशन, लेन में ही रखेगा गाड़ी को। ऐसे एक्सप्रेस वेज पे तो भगाने में अलग ही लेवल का स्वाद आता है भाई इन गाड़ियों को ना, इनमें अडास वगैरह होता है। मेरे पंजे फुल दाब रखा है, क्या उड़ती आती है भाई, स्टेबिलिटी वगैरह मस्त है। बस मेरे को तो सस्पेंशन में थोड़ी सी अजीब सी लगती है, एक रोस्टर कि थोड़ी सी एक एक बम्प भी महसूस होता है भाई, बिल्कुल छोटे से छोटा भी। इंटरलॉकिंग टाइल भी है ना अगर एक, वो भी महसूस होती है। अरे एसी का बंदो सा पड़ गया यार, टेम्परेचर ज़्यादा हाई स्पीड में। अब भाई देखो जैसे मैं इसको सिटी में लेके आ चुका हूँ, अब सिटी में यहाँ पे मैं बता रहा ना क्यों जोर पड़ता है भाई, देखो जैसे ही मैं रेस दूंगा ये थोड़ी सी लैग मारती है, ये देखो लैग मार के फिर चलेगी। और बहुत से भाई कंसर्न होंगे कि भाई अरुण भाई ये माइलेज क्या दे रही है, तो आप देख लो। एक तो भाई इसका ये बहुत इरिटेटिंग है, 7.5 की दे रही है आफ्टर जब से इसमें फ्यूल डलवाया है, और आफ्टर स्टार्ट 7.8 की दे रही है ये, तो वही 8-10 की माइलेज है इसकी, आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट इससे नहीं कर सकते। ये लड़ा देखो भाई, लड़ा चढ़ा देते हैं फॉर्चुनर वाले, ऐसे चढ़ा देते हैं फॉर्चुनर वाले। देख रहे हो भाई कैसे चढ़ा दो ना ब्रो, ऐसे चढ़ा देंगे। अरे छोड़ ना क्यों खामा गई। और इसके डिस्प्ले में भी भाई देखो कितने फीचर्स हैं, टायर प्रेशर का कितनी बढ़िया तरह बताता है, बैटरी वोल्टेज, मेंटेनेंस डिस्टेंस, कितने बाद आपको सर्विस करवानी है, फ्यूल रेंज कितनी है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी अभी कितनी दे रही है। देखो मैंने अभी रेस पंजे छोड़ दिया तो अब 25 तक की देगी, 5 अब मैंने पंजे दबा दिया तो अब एकदम ड्रॉप हो जाएगी। तो ऐसे काफ़ी भी बस ये AdBlue का परेशान करता है, डलवाओ डलवाओ। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं भाई, गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी है भाई साहब। ग्लोस्टर में स्पेस देखो, ये बंदा है अपने साहब सही बैठा है ना, बच्चा ही है, छोटू है। पीछे वाला देखो भाई, भाई इतना स्पेस मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखा यार, इतना चोड़ के बैठा है, पैर भी फैल जाते हैं। मतलब तू वैसे भी बैठ सके जैसे बैठे हैं, पंप पंप धर के बैठ के दिखा, देखो भाई मस्त है। और फाइनली भाई मेरे को मिल चुका है ग्लोस्टर में, इस स्टेयरिंग के अलावा और कहां से वॉल्यूम कंट्रोल होती है गानों की, कहीं पे भी नहीं है भाई, पूरे इसमें ढूंढ मारो कहीं भी वॉल्यूम कंट्रोल करने का नहीं है। अब मैंने MG वालों को कॉल किया जिसमें इनबिल्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाला, आई कॉल करके, तो मोर पे जाओ, उन्होंने बताया मेरे को सेटिंग में जाओ, ठीक है भाई, इसके बाद साउंड में जाओ, साउंड में जाके या वॉल्यूम पे जाओ, वॉल्यूम पे जाके फिर नीचे जाओ, और जो ये मीडिया दिख रहा है यहाँ से कंट्रोल करो भाई। भाई कितनी माथा पच्ची यार, कमाल हो गया, इतनी अंदर जाके तो कौन ही करेगा, यहाँ से जाके सेटिंग में जाके भाई हद हो गई, मजेदार चीज नहीं है ये तो। एक चीज और, लोग रिलायबिलिटी की वजह कितनी कहते हो, MG में मतलब रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, पर भाई इस चीज में तो मैं कहूँगा पूरी रिलायबिलिटी है, मतलब आप कहीं से भी देखोगे 1% भी कहीं से आपको लीकेज समस्या, ऊपर स्पीकर नहीं है, 12 स्पीकर इसके अंदर भी है भाई, लेकिन कहीं भी स्पीकरों में से या इधर से उधर से कहीं से पानी वानी नहीं घुसता। देख लो बारिश कितनी तेज हो रही है, और यहाँ पे प्रेशर से आ रही है खूब, लेकिन यहाँ जब भी कोई भी लीकेज वीकेज एक फूल टपका भी नहीं है। तो क्या इसका ना मेरे को एक फीचर अच्छा लगा, जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है ना, अगर क्रूज पे गाड़ी लगा रखी है और सामने जो भी जिस स्पीड पे गाड़ी चल रही होगी तो अपने आप ब्रेक ले लेता है, तो ऐसे छोटे छोटे एडास वगैरह के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, चलाने में भी ठीक है, गाड़ी हाईवे के हिसाब से सही है, सिटी के हिसाब से काफ़ी बड़ी हो जाती है भाई मेरे पर्सनल ओपिनियन में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।